बदलते मौसम के चलते बहुत से लोग कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इसके साथ ही दिवाली में पटाखों की धूल से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए एक ऐसे उपाय हैं जिनको लेकर बचाव करना जरूरी है। इन सभी बातों की जानकारी कानपुर के अयोग धाम के डॉक्टर हेमंत मोहन ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है, इसलिए लोगों को कई सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इस समय मौसम चेंज हो रहा है, दिन गर्म है, रात ठंडी है, इसकी वजह से बहुत से लोग वायरल ब्रोंकाइटिस, गले में खराश, वायरल टॉन्सिलाइटिस, तो बहुत से लोगों को सीओपीडी का खतरा हो रहा है, जिसमें कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी डिजीज के साथ साथ हाइपरटेंशन के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। हम लोग को बदलते मौसम में धूल धुएं डस्ट से बचना है। एक तो मेट्रो की वजह से ऊपर से धूल धुएं डस्ट और चारों तरफ इस समय दीपावली का और दशहरे का माहौल बन रहा है, तो इतने ज़्यादा जब पटाखे छूटेंगे तो जितने भी अस्थमा और हाई बीपी के पेशेंट हैं, सब लोग को अपने दोस्त चेक कराने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धूल धुएं डस्ट वाली जगह मत जाए, मास्क का प्रयोग करें। यही धूल के कण आगे हमारे कोहरे के साथ मिलकर जब फॉग पार्टिकल हमारे चेस्ट में जाता है, हमारी एल्वियोलाई में, लंग की झिल्ली में जाता है, तो एकदम से अस्थमा का अटैक होने लगता है। साथ ही साथ इस मौसम बदलने की वजह से वायरल गैस्ट्राइटिस, वायरल गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस, अब बहुत से लोगों ने डेंगू चिकनगुनिया में अंधाधुंध स्टेरॉइड एंटीबायोटिक लिया है, जिसकी वजह से लूज मोशन के साथ साथ उनको वॉमिटिंग भी बराबर बनी है। ऐसे में शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिल्कुल भी ना होने दें। नमक शक्कर का घोल लेते रहें, इलेक्ट्रॉल लेते रहें, नारियल का पानी लेते रहें। अगर 104-105 बुखार आपको आ रहा है, सबसे पहले बर्फ के पानी से पट्टी करिए। और हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर आपका कंट्रोल रहता है तो 3-4 दिन के अंदर डेंगू चिकनगुनिया के साथ साथ वायरल गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस और मूंग की दाल, नमकीन दलिया और सूप, हल्का भोजन का सेवन करें।